जय हिंद। दो चीज़ें मैं उधमपुर के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली है, आप लोगों ने देखा होगा कि SPCA यानी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स रजिस्टर कर दी गई है। हम लोगों ने बहुत जो है जोरों शोरों से इसकी ड्राइव शुरू की हुई है। इसकी एग्जेक्टिव बॉडी जो है वो हो गई है और बहुत सारा काम इस पर जो है हो रहा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो एनिमल लवर्स हैं वो भी, जो नहीं हैं और वो चाहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे जो एनिमल्स हैं हमारे उधमपुर से, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, प्लीज़ SPCA ज्वाइन करिए। आपकी मेंबरशिप हमें वो सारे कॉस्ट्स बियर करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी जो कॉस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रे एनिमल्स के मैनेजमेंट के लिए। एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, एनिमल्स को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आप लोगों से दोबारा से मेरी विनती है कि सभी लोग मेंबरशिप फीस ले लीजिए। मेंबरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको काम पे लगाया जाएगा, मेंबरशिप का ये मतलब है कि आप चाहते हैं कि एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार हो और उनकी भी जो ट्रीटमेंट है और उनका जो आगे का हेल्थ केयर है उसके ऊपर काम किया जाए। सो वी नीड योर हेल्प टू रन द SPCA। प्लीज़ ज्वाइन SPCA इन गुड नंबर्स। सेकेंड इज, देर आर फ्यू नंबर्स, फ्यू हेल्पलाइंस जो कि मुझे लगता है कि हमें नहीं पता। एक हेल्पलाइन है जो बच्चों को लेके है, 1098। मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, दोबारा करना चाहती हूँ। द नंबर इज 1098। सो दिस इज वन नंबर जिसमें कि वो बच्चा जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है, जो घर से भाग गया है और भागने के बाद ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ उसको वापस घर जाने का मन कर रहा है, वो बच्चा जिसमें सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, वो बच्चे जिनको किसी तरह से कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करने के लिए परेशान किया जा रहा है, किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है और किसी भी तरह का उसको कोई भी परेशानी है अपने जीवन की, वो बच्चा 1098 पे कॉल करे और मदद मांगे। मदद मांगना बुरी बात नहीं है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है अड़ोस पड़ोस में, ऑफिस में, कहीं पर भी आपको बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होता दिखता है, 1098 पे कॉल करिए और उस बच्चे की मदद करिए। किसी भी तरह का रिएक्शन ना देना। आपके सामने कोई क्रूअल्टी हो रही है बच्चे के खिलाफ और आप अगर उसमें किसी तरह की कोई मदद नहीं दे रहे तो आप भी उसमें शामिल हैं। प्लीज कॉल 1098 एंड हेल्प द किड्स। द सेकेंड नंबर इज 1091। ये वो नंबर है जो कि औरत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की का नंबर है। 1091 जो है ये विमेन इन डिस्ट्रेस, यानी वो औरतें जिनको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, किसी भी तरह की गुहार लगाना चाहती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़, रेप, एनीथिंग, डाउरी, किसी भी तरह का उनको परेशानी है, 1091 पे कॉल कर सकती हैं और मदद मांग सकती हैं। मदद मांगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है। द थर्ड नंबर इज 181। 181 स्पेसिफिक नंबर है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए औरतों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है। हमारे समाज में डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा जो है कुरूप ले चुकी है। बहुत जगह सुनने में आया है कि आपके पड़ोस में डोमेस्टिक वायलेंस सुनते देखते आपको महसूस होता है, जस्ट रिंग द डोर बेल, जस्ट ट्राई टू हेल्प दैट लेडी। अगर आप देख रहे हैं कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किसी घर में हो रहा है और आप किसी भी तरह का कोई मदद उसको नहीं दे रहे तो आप भी इस पाप में शामिल हैं। प्लीज़ कॉल दीज थ्री नंबर्स। आई एम रिपीटिंग, 1098 फॉर चिल्ड्रेन, 1091 फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस एंड 181 फॉर वुमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। जय हिंद।